Hello friends, welcome to our channel. This is Harshika Manav Jaiswal going to discuss with you the best book for class 12th commerce student. स्टूडेंट्स की बोर्ड की एग्ज़ाम होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा वरी होते हैं, बहुत ही कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सी बुक प्रेफर की जाए, कौन सी बुक ली जाए या फिर नहीं ली जाए. सो डोंट बी कन्फ्यूज, आई एम हियर टू गाइड यू द मोस्ट यूजफुल बुक फॉर क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट फॉर स्कोरिंग द गुड मार्क्स. अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट डीके गोयल एंड सेकंड वन इज़ एनसीईआरटी. डीके गोयल की बुक, उसमें फर्स्टली आपको कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, देन कॉन्सेप्ट के वाइज आपको इलस्ट्रेशन दिए होते हैं, देन आपको बैक साइड में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होते हैं. तो ईजी टू अंडरस्टैंड है ये बुक. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ एनसीईआरटी, वो अभी आपको रिफ़र करनी है. डीके गोयल की बुक मोर देन इनफ है फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम्स. बिजनेस स्टडी, बिजनेस स्टडीज़ के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट इज़ संदीप बर्ग एंड सेकंड वन इज़ एनसीईआरटी. आपका ये बिजनेस स्टडीज़ आपका थियरी पेपर होता है. संदीप गर्ग की जो बुक है वो बेस्ट बुक है, इजी लैंग्वेज में सब कुछ दिया होता है, इजी टू अंडरस्टैंड. फॉर इकोनॉमिक्स आपके लिए दो बुक्स हैं, फर्स्टली संदीप गर्ग एंड सेकंड वन इज़ एनसीईआरटी. संदीप गर्ग जो है वो बुक यूज़र फ्रेंडली है, सिंपल वर्ड्स में दिए गए हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है. एंड एनसीईआरटी दोनों ही ऑप्शन आपके पास है तो आप दोनों ही बुक रेफर कर सकते हैं. फॉर मैथमेटिक्स आपके लिए दो ऑप्शन है, आरडी शर्मा एंड एनसीईआरटी. फर्स्टली आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देन फॉर द एडिशनल क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा की बुक रेफर करनी है. फॉर इंग्लिश आपके लिए एक ही बुक है, एनसीईआरटी. आपको इंग्लिश एनसीईआरटी से ही पढ़ना है. एंड फॉर एडिशनल क्वेश्चन आप अरिहंत ऑल इन वन रेफर कर सकते हैं. आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.